हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आज अपने करेंगे बच्चों क्लास 12th की मिसलेनियस चैप्टर 2nd का क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 करने से पहले आपको कुछ फॉर्मूलाज पता होने चाहिए जो अपने क्लास 11th में भी करते थे और क्लास 12th में चैप्टर 3 के जो फॉर्मूलाज थे, जो चैप्टर 3 क्लास 11th में था उसके अंदर फॉर्मूलाज यूज होते थे। देखो बच्चे, cos 2 थीटा का फॉर्मूला दोनों फॉर्म में, साइन और कोस दोनों की फॉर्म में। कोस 2 थीटा होता है बच्चों 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। ध्यान से देखिएगा, cos 2 थीटा होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो यहां से अगर आप 1 प्लस cos 2 थीटा निकालना चाहो, ये माइनस 1 इधर आ गया, तो ये 1 प्लस cos 2 थीटा आपके पास आ गया 2 cos स्क्वायर थीटा। अगर सिर्फ 1 प्लस cos थीटा आपको फाइंड करना है तो ये बन जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2। आई बात समझ। तो क्लास 11th में जो उन्होंने चैप्टर 3rd पढ़ा था उसके अंदर जितने भी फॉर्मूलाज यूज हो रहे हैं बच्चों वो आपको आने चाहिए। तो याद रखो, 1 प्लस cos थीटा होता है 1 प्लस cos थीटा होता है 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2, और 1 माइनस cos थीटा होता है बच्चों 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2, और sin 2 थीटा होता है बच्चों 2 sin थीटा बाय 2, 2 sin थीटा cos थीटा, sin 2 थीटा होता है 2 sin थीटा cos थीटा। इसलिए sin थीटा क्या हो जाएगा, sin थीटा हो जाएगा 2 sin थीटा बाय 2 cos थीटा बाय 2। आई बात समझ। तो ये अपने पास कुछ फॉर्मूलाज है। इसके अलावा अपने पास आपको tan थीटा का फॉर्मूला, tan 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 tan थीटा अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूलाज है। अब देखो ये कैसे कैसे अप्लाई होंगे इस क्वेश्चन के अंदर, देखते जाइएगा आप। अपने बर्फ कर देता हूं इनको एक बार। आपको इस क्वेश्चन के अंदर प्रूव करना है कि 2 tan इनवर्स tan 45 माइनस अल्फा tan बीटा बाय 2 इक्वल है किसके, cos इनवर्स sin 2 अल्फा प्लस cos बीटा अपॉन में 1 प्लस sin 2 अल्फा cos बीटा। हां जी, मैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेके चलता हूं, ध्यान से देखिएगा। लेफ्ट हैंड साइड है इसकी 2 tan इनवर्स tan 45 माइनस अल्फा tan बीटा बाय 2। हाँ जी, 2 tan इनवर्स ये इसका x है कंप्लीट। तो बच्चों अपने पास ये देखो, इधर 2 tan इनवर्स है और आंसर है cos इनवर्स की फॉर्म में, इसलिए आपको सबसे पहले 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला पता होना चाहिए cos इनवर्स की फॉर्म में। तो बच्चों 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला cos की फॉर्म में होता है cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये होता है बच्चों 2 tan इनवर्स x का cos इनवर्स की फॉर्म में 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये फॉर्मूला मैं इस क्वेश्चन पर अप्लाई करूंगा। ये जो अपने पास ये कंप्लीट जो है ये एक्स का बिहेव कर रहा है, तो देखिए ध्यान से मैं कैसे इसको सोल्व करूंगा। ये 2 tan इनवर्स किसके इक्वल होता है, cos इनवर्स 1 माइनस ये कंप्लीट एक्स है tan 45 माइनस अल्फा tan बीटा बाय 2, और क्या लिखा हुआ है, स्क्वायर लिखा हुआ है। इसलिए देखो इधर भी स्क्वायर कर दिया मैंने और इधर भी स्क्वायर लिख दिया अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 45 माइनस अल्फा tan स्क्वायर बीटा बाय 2। हां जी, इसके बाद देखिए आप cos इनवर्स, अब कैलकुलेशन करेंगे अपने 1 माइनस ये tan 45 माइनस अल्फा के अंदर tan a माइनस b की आइडेंटिटी लगाऊंगा। ये स्क्वायर तो मैंने लगा दिया बच्चों, यहां पे देखो tan a माइनस b की आइडेंटिटी क्या होती है, tan a यानी tan 45 माइनस tan b यानी tan अल्फा अपॉन में 1 प्लस tan a और tan b यानी tan 45 tan अल्फा, और ये tan स्क्वायर बीटा बाय 2 है। एक बार इसे मैंने एज इट इज लिख दिया, tan स्क्वायर बीटा बाय 2 अपॉन में भी आइडेंटिटी लगाऊंगा 1 प्लस tan a यानी tan 45 माइनस tan b यानी tan अल्फा अपॉन में 1 प्लस tan 45 tan अल्फा, ये tan स्क्वायर बीटा बाय 2 ये भी एज इट इज लिख दिया, और ये स्क्वायर लगी हुई है तो स्क्वायर भी लगा। हां जी बच्चों, अब देखो जैसे जैसे आपको समझ आता जाए वैसे वैसे आप नोट कर लीजिएगा पॉज करके वीडियो को। हां जी देखिए, अब अपने क्या करेंगे, ये बाहर वाला तो cos इनवर्स एज इट इज,
अब ध्यान से देखो, सबसे पहले ये न्यूमरेटर वाली कैलकुलेशन कर रहा हूं, ये वन तो एज इट इज वन माइनस 1045 होता है बच्चों वन, ये बन गया वन, और ये माइनस 10 अल्फा एज इट इज अपॉन में 1 प्लस 1045 1 होता है 1 इंटू 10 अल्फा 10 अल्फा, तो 1 प्लस 10 अल्फा इंटू में क्या है 10 स्क्वायर बीटा बाय 2। हाँ जी, और डिनोमिनेटर में क्या बन जाएगा 1 प्लस, ये सेम वही बनेगा 1 माइनस 10 अल्फा अपॉन 1 प्लस 10 अल्फा, ये स्क्वायर लगी हुई है इन पे 1 माइनस 10 अल्फा अपॉन 1 प्लस 10 अल्फा का होल स्क्वायर इंटू में 10 स्क्वायर बीटा बाय 2। इसके बाद देखिए बच्चों, कोस इनवर्स 1 माइनस, अब देखो बच्चों ध्यान से, ये जो अपने पास 10 है इन सभी को अपने साइन और कोस में चेंज कर लेंगे, तो 1 माइनस 10 अल्फा क्या होता है साइन अल्फा अपॉन में कोस अल्फा, और ये 1 प्लस ये भी बन जाएगा साइन अल्फा अपॉन में कोस अल्फा, ये स्क्वायर इस 10 स्क्वायर बीटा बाय 2 को लिख दूंगा बच्चों मैं साइन स्क्वायर बीटा बाय 2 अपॉन में कोस स्क्वायर बीटा बाय 2, और ऐसे ही डिनोमिनेटर में कर दूंगा, देखो 1 माइनस 10 अल्फा को साइन अल्फा बटे में कोस अल्फा, और ये 1 प्लस साइन अल्फा अपॉन में कोस अल्फा का होल स्क्वायर, 10 स्क्वायर बीटा बाय 2 को क्या लिख देंगे साइन स्क्वायर बीटा बाय 2 अपॉन में कोस स्क्वायर बीटा बाय 2। इसके बाद देखिए आप कोस इनवर्स 1 माइनस, अब देखो ध्यान से, तो बच्चों ये कोस अल्फा इधर 1 से मल्टीप्लाई होगा तो कोस अल्फा ही रहेगा, तो कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा बन जाएगा, और इधर ये कोस अल्फा इस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये भी कोस अल्फा प्लस साइन अल्फा बन जाएगा, यानी दोनों का एलसीएम तो कोस अल्फा है, तो बच्चों एलसीएम तो हो गया कैंसिल, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं ये बन गया कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा अपॉन में कोस अल्फा प्लस में साइन अल्फा होल स्क्वायर एज इट इज, और ये साइन स्क्वायर बीटा बाय 2 अपॉन में कोस स्क्वायर बीटा बाय 2, और अपॉन में भी ऐसे ही बनेगा 1 प्लस कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा प्लस साइन अल्फा का होल स्क्वायर, और ये साइन स्क्वायर बीटा बाय 2 अपॉन में कोस स्क्वायर बीटा बाय 2 एज इट इज। हां जी बच्चों, इसके बाद देखिए जी, इसके बाद अपने लेंगे एलसीएम, ये बाहर वाला तो कोस इनवर्स एज इट इज, देखो बच्चों बाहर वाला तो कोस इनवर्स एज इट इज लिखा है मैंने, और अंदर देखो क्या होगा, एलसीएम क्या है, एलसीएम आ रहा है कोस अल्फा प्लस साइन अल्फा का होल स्क्वायर, और इनटू में क्या है कोस स्क्वायर बीटा बाय 2 भी है, तो देखो ध्यान से एलसीएम आ रहा है कोस अल्फा प्लस साइन अल्फा का होल स्क्वायर इनटू में क्या है कोस स्क्वायर बीटा बाय 2, और ये जो एलसीएम है बच्चों यही तो इधर 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो इधर 1 के साथ आ जाएगा, 1 की जगह पे आ जाएगा कोस अल्फा प्लस साइन अल्फा का होल स्क्वायर, और इनटू में क्या आ गया कोस स्क्वायर बीटा बाय 2। हां जी, और माइनस में आ गया अपने पास कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा का होल स्क्वायर इंटू में साइन स्क्वायर बीटा बाय 2, और अपॉन में क्या बनेगा बच्चों अपॉन में भी एलसीएम तो ये सेम ही रहेगा कोस अल्फा प्लस साइन अल्फा का होल स्क्वायर इंटू में कोस स्क्वायर बीटा बाय 2, और ये इधर भी आ जाएगा कोस अल्फा प्लस साइन अल्फा का होल स्क्वायर कोस स्क्वायर बीटा बाय 2 प्लस कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा का होल स्क्वायर इंटू में साइन स्क्वायर बीटा बाय 2। हां जी, अब ये एलसीएम तो दोनों का सेम है, ये तो हो गया कैंसल। इसके बाद देखिए क्या बन गया कोस इनवर्स, न्यूमरेटर के अंदर देखो बच्चों ये कोस अल्फा प्लस साइन अल्फा का होल स्क्वायर, इसको ओपन कर देते हैं, आइडेंटिटी लगा दो, कोस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस 2 साइन अल्फा कोस अल्फा। हाँ जी, बाहर क्या कोस स्क्वायर बीटा बाय 2, अब कोस स्क्वायर बीटा बाय 2 का फॉर्मूला होता है बच्चों, अब ध्यान से देखो कोस स्क्वायर बीटा बाय 2 का फॉर्मूला क्या होता है, आपके पास कोस 2 थीटा का फॉर्मूला क्या था कोस की फॉर्म में 2
कोस स्क्वायर थीटा माइनस वन, ध्यान से देख लो इधर, कोस टू थीटा का फॉर्मूला था टू कोस स्क्वायर थीटा माइनस वन, अपने को यहां से कोस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला निकालना है, तो ये इधर आ जाएगा वन माइनस वन इधर के प्लस का, और ये प्लस में कोस टू थीटा, और अपॉन में ये टू मल्टीप्लाई वाला डिवाइड में आ जाएगा इक्वल में कोस स्क्वायर थीटा। तो देखो बच्चों ये आइडेंटिटी लगी है, कोस स्क्वायर थीटा का मैं फॉर्मूला पुट करूंगा यहां से, कोस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला है वन प्लस कोस टू थीटा अपॉन में टू, तो अगर यहाँ पे एंगल आधा हो जाएगा तो ये कोस टू थीटा का भी तो एंगल हाफ हो जाएगा, इसलिए कोस स्क्वायर बीटा बाय टू की जगह मैं लिखूंगा वन प्लस कोस बीटा अपॉन में टू, हाँ जी, और इधर मैं लिख दूंगा ये कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा का होल स्क्वायर, कोस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा माइनस, इसको मेरे को यहां लिखना पड़ेगा माइनस करके क्योंकि लेंथ ही है क्वेश्चन, हाँ जी बच्चों ये देखो ये माइनस वाला स्टेप मैं यहां लिख देता हूं माइनस वाला, ये कोस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा माइनस टू साइन अल्फा कोस अल्फा, और ये साइन स्क्वायर बीटा बाय टू, अब जैसे कोस टू थीटा का फॉर्मूला कोस की फॉर्म में लगा के मैंने कोस स्क्वायर थीटा निकाल लिया, वैसे अगर साइन की फॉर्म में लगाता कोस टू थीटा का तो साइन का आ जाता, इतना ही फर्क होता है। देखो अगर कोस का कोस में लेना है तो प्लस आ जाएगा, कोस का अगर साइन में लेके आना है आपको तो क्या आ जाएगा माइनस, तो ये बन जाएगा वन माइनस कोस वन माइनस कोस बीटा अपॉन में टू, अगर कोस का कोस में चाहिए तो प्लस आ जाएगा, ये देखो प्लस आ गया, अगर कोस का साइन की फॉर्म में चाहिए तो यहां पे क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा। तो ये तो बच्चों अभी मैंने क्या सॉल्व किया है, सिर्फ न्यूमरेटर सॉल्व किया है, हाँ जी ये तो मैंने अभी न्यूमरेटर, अब ऐसे ही मुझे इसका डिनोमिनेटर भी सॉल्व करना पड़ेगा, हाँ जी देखो बच्चों कोस अल्फा प्लस साइन अल्फा का होल स्क्वायर इंटू कोस स्क्वायर बीटा बाय टू, तो ये मैंने लिख दिया कोस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस टू साइन अल्फा कोस अल्फा इंटू में कोस स्क्वायर बीटा बाय टू का फॉर्मूला सेम, वैसे ही वैसे कोस स्क्वायर बीटा बाय टू का फॉर्मूला है वन प्लस कोस बीटा अपॉन में टू, और ये माइनस यहां पर तो प्लस है डिनोमिनेटर में, तो प्लस कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा कोस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा माइनस टू साइन अल्फा कोस अल्फा, साइन स्क्वायर बीटा बाय टू की जगह क्या लिख देंगे वन माइनस कोस बीटा अपॉन में टू। देखो बच्चों अब यहां तक पहुंच गए अपने, इसके बाद कोस इनवर्स, अब ध्यान से देखिएगा कोस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा बन गया वन, तो ये तो बन गया वन, और ये टू साइन अल्फा कोस अल्फा क्या बन गया साइन टू अल्फा, तो ये वन प्लस साइन टू अल्फा इंटू में क्या है वन प्लस कोस बीटा अपॉन में टू, फिर ये माइनस में कोस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा वन बन गया, और ये माइनस के टू साइन अल्फा कोस अल्फा साइन टू अल्फा बन गया, तो ये बन गया वन माइनस टू साइन अल्फा, ये तो वन हो गया, टू साइन अल्फा कोस अल्फा हो गया साइन टू अल्फा, और इंटू में क्या है बच्चों अपने पास ये वन माइनस कोस बीटा अपॉन में टू, हाँ जी, इसके बाद डिनोमिनेटर में देखो ध्यान से कोस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा वन बन गया, प्लस में टू साइन अल्फा कोस अल्फा साइन टू अल्फा, इंटू में क्या है वन प्लस कोस बीटा अपॉन में टू, और ये बन गया अपने पास बच्चों प्लस में वन माइनस साइन टू अल्फा इंटू में वन माइनस कोस बीटा अपॉन में टू, यहां पहुंच गए अपने, ये देखो ये कोस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा ये वन है, और ये साइन टू अल्फा का फॉर्मूला है ये वन माइनस कोस बीटा अपॉन में टू। अब देखो ध्यान से ये जो अपॉन में टू है ये इधर भी है इधर भी है इधर भी है इधर भी है, तो इसको एलसीएम लेके कैंसिल कर दिया, या मान लो मैंने कॉमन लेके काट दिया, जैसे मर्जी मान लीजिए आप। इसके बाद देखो बस दो स्टेप हो रहे हैं, हाँ जी अब देखिएगा, अब मैं करूंगा ब्रैकेट्स के मल्टीप्लाई, बाहर तो कोस इनवर्स एज इट इज, अब देखो ध्यान से वन को वन से किया वन, वन को कोस बीटा से किया
कोस बीटा, साइन टू अल्फा को वन से किया साइन टू अल्फा, साइन टू अल्फा को कोस बीटा से किया तो साइन टू अल्फा कोस बीटा, माइनस ये वाला माइनस लिखा है, वन को वन से करूंगा वन तो माइनस का वन, वन को कोस बीटा से करूंगा वन को माइनस के कोस बीटा से तो माइनस का कोस बीटा, बाहर माइनस है तो प्लस का कोस बीटा। हाँ जी, अब माइनस के साइन टू अल्फा और बाहर भी माइनस है तो ये बन गया प्लस का साइन टू अल्फा, प्लस के साइन टू अल्फा को वन से किया तो ये बन गया साइन टू अल्फा, और साइन टू अल्फा को माइनस के कोस बीटा से करूंगा तो ये बन गया साइन टू अल्फा कोस बीटा। कैसा, साइन टू अल्फा को माइनस के कोस बीटा से किया तो ये बन गया माइनस का साइन टू अल्फा कोस बीटा। ऐसे न्यूमरेटर में वन को वन से किया वन, वन को कोस बीटा से कर दिया, फिर साइन टू अल्फा को वन से किया तो साइन टू अल्फा, साइन टू अल्फा को कोस बीटा से किया तो क्या बन गया साइन टू अल्फा कोस बीटा। अब इधर इन दोनों ब्रैकेट को करूंगा, वन को वन से किया वन माइनस कोस बीटा, साइन टू अल्फा को किया तो माइनस के साइन टू अल्फा, ये माइनस माइनस प्लस साइन टू अल्फा कोस बीटा। अब देख लेते हैं अपने क्या कैंसिल हो रहा है और क्या रह रहा है, तो कोस इनवर्स, अब देखो ये माइनस वन ये प्लस वन कैंसिल हो गया, ये माइनस के साइन टू अल्फा कोस बीटा, ये प्लस का साइन टू अल्फा कोस बीटा कैंसिल हो गया। अब देखिए कोस बीटा टू कोस बीटा, साइन टू अल्फा ये बच गया टू साइन टू अल्फा। हाँ जी, अब डिनोमिनेटर में देखते हैं, ये वन और वन तो हो गया टू, साइन टू अल्फा माइनस के साइन टू अल्फा कैंसिल हो गया, माइनस के कोस बीटा प्लस के कोस बीटा कैंसिल हो गया, क्या रह गया साइन टू अल्फा कोस बीटा, साइन टू अल्फा कोस बीटा। तो कोस इनवर्स ये जो टू है बच्चों, ये साइन टू अल्फा कोस बीटा, साइन टू अल्फा कोस बीटा तो ये हो गया डबल हो गया टू साइन टू अल्फा कोस बीटा। टू कॉमन लेके कैंसिल कर दिया मैंने, ये इधर से भी कॉमन ले लिया इधर से भी कॉमन ले लिया तो क्या बच गया अपने पास कोस इनवर्स कोस बीटा प्लस में साइन टू अल्फा अपॉन ए वन प्लस साइन टू अल्फा कोस बीटा। तो यही अपने को बच्चों प्रूफ करना था, ठीक है, ये अपने को प्रूफ करना था। ये यहां पर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन थोड़ा लेंथी था लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगाना है, थोड़ा सा लेंथी है तो थोड़ी प्रैक्टिस करनी है उसके ऊपर, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आपका हो जाएगा। और लास्ट में लिख दीजिएगा सो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, थोड़ी सी मेहनत कीजिए, थैंक यू।